आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, रुक करेंगे रायपुर से। खबर आपको बता रहे जहां पर सीएम विष्णुदेव साय का आज कई सारे कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेंगे, रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे की बात करें तो मंत्रालय में विभागीय कामकाज का ब्यौरा लेंगे। शाम 5:45 पर अन्न भवन में वन विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वन उपज बिक्री के लिए ई ऑक्सीजन का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही निजी होटल में विश्व हाथी दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। रात 9:40 पर मुख्यमंत्री अपने निवास लौट आएंगे। तो आज छत्तीसगढ़ में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आज हाथी दिवस है और इसी के उपलक्ष में आज छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें वो सीएम बता दें आपको कि विष्णुदेव साय भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो आज कई सारे कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे, सीएम विष्णुदेव साय उन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ मंत्रालय में विभागीय कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। किस तरह से कामकाज चल रहा है, आगे किस तरह की रणनीति होगी, इस पर भी फोकस रहेगा। वन उपज बिक्री के लिए ई ऑक्सीजन का भी शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे और इससे कहीं ना कहीं बड़ी सहायता छत्तीसगढ़ वासियों को मिलती हुई नजर आएगी। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कई सारे कार्यक्रम आज जो है वो छत्तीसगढ़ में होंगे जिसमें वो शामिल होंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, गोपी का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गोपी। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे और कौन कौन से कार्यक्रम आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकते हैं जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जी काजल, बिल्कुल बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। आज वो रायपुर जिले में ही रहेंगे और उनमें जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उनमें शामिल होते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि आज लगभग 3 बजे वो मंत्रालय पहुंचेंगे और वहां पर विभागीय काम काजों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। जो अधिकारी हैं उन्हें उनके उनकी बैठक लेंगे और उसके बाद जो भी विभाग मुख्यमंत्री के पास है अन्य विभागों की समीक्षा वो करेंगे, किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, आखिर किन स्थानों पर योजनाओं के क्रियान्वयन में परेशानी या असुविधाएं हो रही है और आखिर इसका कारण क्या है कि जो आम जनता या जो निचले स्तर के लोग हैं उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो तमाम विषयों पर पहले अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। लगभग उनकी 2.5 घंटे तक की बैठक जो है वो मंत्रालय में रहेगी और उसके बाद वो अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए नजर आएंगे, जिसके पश्चात लगभग 6 बजे मुख्यमंत्री अरण्य भवन पहुंचेंगे और वहां पर जो वन विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आज विश्व हाथी दिवस है, इसे लेकर भी कार्यक्रम जो है वो आहूत किए गए हैं। बता दें कि वन विभाग के नवनिर्मित दंडकारण्य जो भवन बनाया गया है उसका लोकार्पण करेंगे। अरण्य भवन है जो वन विभाग का नया रायपुर में भवन बनाया गया, इसके अंतर्गत दंडकारण्य जो कार्यालय है उसका आज लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री साय दिखाई देंगे। बता दें इसके पश्चात तो वनोपज की बिक्री के लिए ई ऑक्शन का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। वनोपज की अब बिक्री जो है वो डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, इसके लिए ई ऑक्शन का शुभारंभ आज सीएम साय करेंगे। साथ ही शाम 8 बजे एक निजी होटल में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें सीएम साय शिरकत करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, जिसके पश्चात वो लगभग 10 बजे अपने निवास जो है वो लौटेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल होंगे, जिनका 2 दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ रहने वाला है। वो आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद विश्व हाथी दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, पिछले दिन जिस तरीके से हमने देखा कि प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप का दिल्ली दौरा रहा, उनके द्वारा फिर उन्हें आमंत्रित किया गया कि वो छत्तीसगढ़ आए और विश्व हाथी दिवस जो है
उन कार्यक्रम में शामिल हो, तो आज उनका कार्यक्रम निजी होटल में रात 8 बजे रखा गया जिनमें वो शामिल होंगे। बता दें कि हाथी प्रकल्प की 20वीं उच्च स्तरीय समिति की बैठक जो है वो भी होने वाली जिसमें भूपेंद्र यादव शामिल होंगे। बता दें कि आज जो हाथी दिवस का कार्यक्रम है उनमें किस तरीके से जो हाथियों के लुप्त हो रही है इस पर चिंता जाहिर की जाएगी और उन पर चर्चाएं जो है वो की जाएगी। आखिर उसके कारण उसके चलते लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा इस ओर की हाथी विलुप्त हो रहे। बता दें कि पिछले 18 सालों में लगभग 70 हाथियों की मौत हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में लगातार हमने देखा है कि मानव हाथी द्वंद जो है वो रहा है। इसमें किस तरीके से मानव और हाथियों के बीच में आपसी सामंजस्य हो, किस तरीके से उनसे निपटारा किया जाए, क्योंकि हम लगातार देखा है कि वन अंचलों से हाथी जो है वो शहरी ओवर में या ग्रामीण क्षेत्रों में विचरित करते हुए नजर आ रहे। उसके बाद कई सारे ऐसी घटनाएं भी शामिल ऐसी घटनाएं जो है वो देखने को मिली। ऐसी घटनाएं घटित ना हो, द्वंद जैसी स्थिति ना निर्मित हो, इसे लेकर संगोष्ठी और इस पर चर्चाएं की जाएगी कि आखिर हाथी लुप्त भी ना हो, उनकी मौत ना हो और जो मानव और हाथी द्वंद है उसे किस तरीके से बचा जाए उस पर चर्चाएं की जाएगी। गैर कानूनी तस्करी रोकने की ओर भी प्रयास जो है वो रहेगा, इसके उद्देश्य से भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही हाथियों के संरक्षण, उनके पुनर्वास और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए भी जो है कोशिश की जाएगी। बता दें कि लगभग 359 की संख्या में छत्तीसगढ़ में हाथी जो है वो विचरण है, ये लगभग 3 गुना बढ़ा है कुछ सालों में और वहीं 10 दशकों में 2 गुना संख्या जो है वो हाथियों की बढ़ी। तो ये अच्छे संकेत भी हैं, लेकिन मानव और हाथी के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, कैसे एक ऐसा पर्यावरण, एक वातावरण ऐसा कैसे निर्मित किया जाए, ये बड़ी चुनौती रहेगी और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज रात बजे जो कार्यक्रम आहूत की गई है इस पर चर्चाएं होंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए आज हाथी दिवस है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इसके साथ ही कई सारे कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होंगे जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर करेंगे। रायपुर से ही खबर आपको बता रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का 2 दिवसीय रायपुर दौरा है। आज हाथी प्रकल्प की 20वीं उच्च स्तरीय समिति बैठक में शामिल होंगे। रात 8 बजे राष्ट्रीय हाथी दिवस के समारोह में भी शामिल होंगे। 13 अगस्त को एक पेड़ माँ के नाम अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 7 बजे नंदनवन जंगल सफारी में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पौधारोपण कार्यक्रम के साथ ही स्कूल छात्राओं से संवाद करेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव।